यार इस ब्लैकमेलर ने मेरी जिंदगी झंड कर दी है यार एकदम। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। फोन ही स्विच ऑफ कर देता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सर 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 ये एकदम गलत बात, सर आपकी बहुत गलत बात है सर, आपने अपना फोन ऑफ क्यों कर दिया है? मेरा फोन है समझ गया ना, मैं ऑन रखूं ऑफ रखूं फेंकू फाड़ू चीरू खाऊं भसूड़ी के खेत में ले जाके बोलूं तुझे क्या है? सर मैं आपसे चाय पूछने आता हूं तो मेरा टाइम वेस्ट होता है सर, और फोन पे पूछ लेता हूं तो बचा हुआ टाइम मैं सही जगह इस्तेमाल कर सकता हूं। आप अपना फोन ऑन कीजिए, ऑन कीजिए, आप ऑन कीजिए प्लीज। वो अपने पजामे में रह छेजी समझ गया ना तू, किचन तक तेरी हद है वहीं तक रख, वरना भसूड़ी के खेत में तुझे ले जाके बोलूंगा मैं। गुड मॉर्निंग सर। लेमन गुड मॉर्निंग। मिस्टर साजन आपने अपना फोन ऑफ कर दिया है, लेकिन क्यों? वो बैटरी चली गई सर। अरे तो चार्ज कीजिए ना, हमने ऑफिस में वायरिंग का झूला झूलने के लिए बिछवाई है। मिस्टर साजन आप और आपका फोन हर समय फुल्ली चार्ज होना चाहिए। मैं ऑन कर देता हूँ सर ये। ओके गुड। अरे छेदी एक चाय ले आ। सर 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 ला रहा हूँ सर सर सर। थैंक यू सर सर, आपने फोन ऑन कर लिया सर। थैंक यू सर। अब मैं फोन पे पूछूंगा आपसे। ओके ऑफ यार लग गई लंका, फोन आ गया यार। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गई भसूरी के खेत में, तू ये बता तेरे फोन स्विच ऑफ करने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं ऑफ नहीं किया था सर, वो बैटरी डेड हो गई थी फोन की। डेट तो तू हो जाएगा बेटा अब। रुक मैं वो कोरियर भेजता हूँ, रुक। नहीं 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 ये ऐसे ऐसे मत करना सर। मैं आपकी हर बात मान तो रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो मैं कर रहा हूँ ना। आप बोलो ना मुझे करना क्या है, आप वो बताइए क्या करना है, मैं करूँगा। तो तू ऐसा कर, अपने बॉस के सामने जा और पापा प्लीज मेरे केबिन में आ जाइए जल्दी। थैंक यू। बेटा क्या हुआ, कोई कॉकरोच घुसाया क्या? साजन ये क्या बदतमीजी है, आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने बॉस के केबिन में घुस के उसके सामने शराब पीने की? वो भी तब पापा जब मैंने ये सब छोड़ दिया है, जब मैं एक सात्विक लाइफस्टाइल जीने की कोशिश कर रही हूँ। Yes, but I like it, बेटा। वो मैं आपका टेस्ट ले रहा था मैडम, मैं आपका कि मतलब शराब आप अपने एकदम सामने देखने के बावजूद भी अपने आप को कंट्रोल कर पाती हैं कि नहीं कर पाती हैं, कितनी आप सात्विक हुई हैं। और कांग्रेट्स आप पास हो गई हैं। प्लीज दफा हो जाइए यहाँ से मिस्टर साजन। एंड थैंक द लॉर्ड कि मैंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है, वरना आपके इस हरकत के लिए मैं आपको बेल्ट से पीटती। बेटा ये काम मुझ पर छोड़ दो। बेटा इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ मेडिटेशन कैंप ज्वाइन नहीं किया था, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा बेटा। मिस्टर साजन अब मेरी बेल्ट आपकी तशरीफ पर टेस्ट लेगी। आइए आइए। नहीं सर बक्कल वाली साइड नहीं बक्कल।
Shanti, cool down. अरे आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं, समोसे लीजिए ना, कल जैसे टेस्टी है। तब तो जरूर लूंगी। अब कल के समोसों का स्वाद अभी तक मेरी जुबान से और दिल से उतरा नहीं है। उतरते तो नवाब साहब नहीं थे। देखिए कल जो कुछ भी हुआ वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो बोलो ना दीदी। अब हाँ, वो शुरू में अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में तो याद ही नहीं है। दीदी देखिए कल जो कुछ भी हुआ हम वो आज क्लियर करने आए हैं। ऐसे कभी भी मेरी दीदी को किसी ने पहले सबके सामने। अजी बात ऐसी है कि जो हमारा घर है ना, आपकी दीदी के लिए लक्की है, तभी तो इस घर में आते ही आपकी दीदी का खाता खुल गया। अब भोपू की तो मजाक करने की आदत है ना भोपू, इधर आ। थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकता है। अरे दीदी फिर ना पता कैसे चलेगा कि तेरा भैया कितना मजाक किया है, समझे कर बात मन को। And don't mind, अगर आपके पति की जगह कोई और होता ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ देती। फिर जीजा की क्यों ना तोड़ी? बुरा मत मानिए, ये तो बचपन से ही ऐसी है। जब भी कोई लड़का मुझे देखता था ना तो ये उसका सर फोड़ देती थी। ओ, तभी आप अभी तक कुंवारी हैं। तो इस तोड़ाताड़ी की बात पे हम लोग रिश्ता पक्का समझे? पक्का? अब बहन जी माफ कीजिएगा, कल से दिमाग में कुछ ख्याल आ रहा है कि साजन जी ने मुझे अब किस क्यों किया? बहन जी वो तो है ना संजू की खानदानी रस्म थी, बताओ ना संजू। हाँ हमारे यहाँ तो ये रस्म है खानदान में, जैसे जब शादी होती है ना तो जो लड़की होती है उसकी जो बड़ी बहन होती है उसको हमारी तरफ से मतलब जो घर का बड़ा मर्द होता है ना वो चूमता है, गाल पे चूमता है। लेकिन वो क्या, मैं आपको गाल पे चूमने आया था, आप समोसा खा रही थी ना तो मेरा मुंह स्लिप हो गया, तो मैं मुंह लग गया आपके, तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, इस बात को दबा दो। किसी किसी का निशाना बहुत कच्चा होता है, जैसे ये समोसे में आलू कच्चे हैं। आप फिकर मत कीजिए बहन जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी संजू से। हाँ जी, और गलती से भी ऐसी कैड़ी गलती हुई ना तो आप चिंता मत ना करो, मारी जीजी ना जूते मार मार कर जीजा की टाट गंजी कर देगी। तू बहुत बोल रहा है, बहुत प्यार से सुन रहा हूँ, तेरी टाट मैं गंजी करता हूँ अभी। ये ले, छील दूंगा तुझे अंडे की तरह साले। लेमन चूस ले तू अब। क्या पागल हो गए हो क्या? दिमाग चल गया इसका? ये अब इसके आगे कोई और रसम वसम तो नहीं है ना? अब कोई रसम अब बची नहीं है, खत्म सब है ना संजू? हाँ ऐसा कह सकते हैं। इसका फोन है? ये खिलौनी का फोन है बेबी, एक एक मिनट जरा, एक्सक्यूज मी। हाँ जो कीड़े पड़ेंगे साले, टाइम चुन चुन के फोन कर रहा है मुझे, तो दूरबीन लगा के देख रहा है क्या कहीं से? हेलो। हाँ सर। क्या हो रहा है भाई?
कुछ नहीं हो रहा है, मतलब मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, घर में कोई गेस्ट आए हैं तो उनसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ओके बाय। बात तो थोड़ी देर में कर लियो, लेकिन एक काम अभी के अभी कर दे। कौन सा काम? जो सामने है उसे गोदी में उठाकर बेडरूम में ले जा। नहीं करेगा तो तेरे जिंदगी में भसर मचा दूंगा मैं। अरे यार उठा लूंगा तो कौन सी मेरी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। देखो गुरु, ऐसा है, एक फोटो के लिए आप मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते, समझे आप? अच्छा, यस। तो एक काम करता हूँ, कल मैं 20x20 का दो होर्डिंग बना के एक तेरे मोहल्ले में और दूसरा तेरे ऑफिस के सामने लगवा देता हूँ। मैंने आपको कभी मना किया है क्या? ऐसी गंदी बात मत करा करो। अरे 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 ना 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 ना। अरे जीजा, अरे रुक जा, क्या कर रहा बावली पूछ। रसम निभा रहे, तुम बीच में मत बोलो। दीदी चलिए ना साजन जी, जल्दी से रसम निभाते। अरे मेरी फटी हुई आँख, पूछियो रे मेरी बेटी से किसका खसम रसम रसम बोल के कौन सा नया गुल खिला रहा है। अरे जीजी, जीजी, जीजा की ना पूरी तैयारी से, मैं तो कह रहा अभी भी रोक ले, कहीं ऐसा ना हो कि गुल सही में खिल जा। जीजी, जीजी, मैडम आप ये शराब, वो सात्विक जीवन, सात्विकता की लेमन चुस गई मिस्टर साजन, कम हियर, साथ में गंध मचाते गंध। गंध मचाते, तू देखना कोई आना जाए बस। आइए मैडम, आइए गंध मचाएंगे, आइए आइए। Behave yourself. What is this? साले आपकी बार मैंने तेरा काम नहीं करूंगा। तो वैसे तूने कौन से काम कर दिए मेरे साले? ज़्यादा चौड़ा मत हो यहाँ पे, समझ गया ना? एक छोटा सा काम बोला था तुझे करने के लिए, एक नंबर का एड्रेस निकालना था, वो तो कर नहीं पाया तू। यहाँ बातें मिला रहा है बैठ के, अभी तो बदहवासी में नंगा किया, किसी दिन तुझे होश में नंगा करूंगा मैं साले। इसी लायक है तू? कपड़े फाड़ रहा है। अच्छा बेटा ये सही यार, मैडम की फोटो का चुम्मा लिया तूने, अब किसी ने फोटो खींच ली तो तू मेरे पे चढ़ रहा है। वो ब्लैकमेलर ना बिल्कुल सही कर रहा है, मैं तो दुआ करता हूँ कि तेरे को ना ऐसे फोन करके परेशान करे वो। दुआ दे रहा है मुझे तू? जस्ट किडिंग ब्रो, चिल यार। तू तो नाराज हो गया बे, और वैसे भी यार मेरी बद्दुआ किसको लगती है यार। साले अब क्यों मारा बे? तेरी बद्दुआ कबूल हो गई साले, ब्लैक मेलर का फोन आ रहा है। हेलो सर, हाँ आपने जो कांड बोला था करने के लिए मैंने कर दिया सर। गुड, अब कहाँ पर है तू? मैं अभी बैग लगा रहा हूँ बैठ के। अकेले? नहीं, चिप्स के साथ। अबे ज्यादा होशियार मत बन, मैंने पूछा अकेले है या किसी के साथ है। हाँ मेरा एक दोस्त है, उसके साथ बैठा हूँ। एक काम कर, उसके मुंह पर पेग फेंक के मार और चिप्स रगड़ दे। अरे यार ऐसे मत करवाओ, हमारा झगड़ा हो जाएगा, दोस्ती टूट जाएगी हमारी यार। बीबी के हाथों से हड्डियाँ टूटने से तो अच्छा है दोस्ती ही टूट जाए। होर्डिंग लगवाऊं क्या? चलो ठीक है फिर। हाँ भाई, अब की बार क्या करने को बोला?
ये करने को बोला। सॉरी यार खिलौनी। फाइन। डिलीशियस। रे यार फिर से कद्दू की सब्जी बना दी यार। ये कश्मीरों को पता है मुझे कद्दू की सब्जी नहीं पसंद है यार, फिर भी बार बार बना देती है रोज के रोज। अबे ओ तू साले कद्दू की सब्जी को तंदूरी चिकन के रिएक्शन देके क्यों खा रहा है? बावली पूछ, हमारी प्लेट में ना तंदूरी चिकन ही से, तू कद्दू खा। यो तो मैं ना पापा जी के ढाबे से हाफ तंदूरी चिकन लाया 150 रुपए में। मुझे भी एक पीस दे दे यार। जीजा एक शर्त पर दूंगा, तुम्हारे सामने ना अपनी प्लेट लेकर खड़ा हो जा और गिड़गिड़ा और बोल ऊपर वाले के नाम पे मन्ने दे दे। फिर हो सका है कि थारे ऊपर तरस खा के मैं तन्ने एक आधा पीस दे दूं। तू लेमन चूस ले और तू कद्दू ठूस ले। तुझे कीड़े पड़ेंगे साले, टाइम चुन चुन के फोन कर रहा है मुझे तू। यू नो पापा, जब से मैंने नॉन वेज छोड़कर ये सात्विक खाना शुरू किया है तब से आई एम फीलिंग वेरी लाइट फ्रेश एंड लवली। पापा आपको भी ये खाना चाहिए। नहीं 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 बेटा, मैं ये घास फूस नहीं खा सकता, प्लीज प्लीज। दिस इज नॉट घास फूस पापा, दिस इज सात्विक फूड, ये सात्विक खाना है और आपकी भी एज हो रही है अभी, आपको भी ये लाइट खाना चाहिए। तो ठीक है बेटा, मैं ब्रेकफास्ट में बल्ब और डिनर में जो है ट्यूबलाइट खाऊंगा, लाइट खाता रहूंगा। ओके आई एम सीरियस पापा, प्लीज ये पालक की खिचड़ी है, इट्स लाइट इज अमेजिंग, गिव इट अ शॉट, एक निवाला तो लीजिए, कम ऑन पापा, गो अहेड। पालक की खिचड़ी, इट्स गुड। अरे ठीक है, तुम्हारी जिद के आगे मैं एकदम हार जाता हूँ। हेलो सर, मैं सर लंच कर रहा हूँ, आप भी कर लो ना, फिर उसके बाद आराम से बात करते हैं। लंच के लिए मुझे इग्नोर कर रहा है, इसके दो ही रीजंस हो सकते हैं बेटा, या तो तुझे मेरा खौफ नहीं रहा या लंच में कुछ ज्यादा ही टेस्टी सब्जी लाया तू। नहीं हाँ, दूसरा ऑप्शन ठीक है सर, वो एक्चुअली मैं तंदूरी चिकन लेके आया हूँ ना लंच में, तो उसकी खुशबू से खुद को रोका नहीं जा रहा है। तू मत रुक, खा ले, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा काम भी निपटा दे। क्या? ये लेग पीस ले जाकर अपने बॉस के मुंह में ठूस दे। अरे नहीं, क्या क्या बात कर रहे हैं आप, वो मेरा मेरी बॉस जो है वो सादा और सात्विक भोजन खाती है, एकदम प्योर वेज। अब मैं अगर ऐसा करूंगा मेरी नौकरी चली जाएगी सर। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे घर पे जस्ट कुरियर पहुँचने वाला होगा। नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है मैं करता हूँ। मजा आ गया, चटनी लाना भूल गया जीजा, वो हरी वाली। एक कबूतर दीवार पे क्या लिख रहा है? हा? अरे मारा पेन तो नहीं ले गया? अरे जीजा मारी तंदूरी टंडी लेकर भाग गया, बावली पूछ मैं थारी टांग तोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन एक कमी है बेटा इसमें। ओह रियली, क्या? अगर इसमें एक चिकन का लेग पीस होता तो मजा आ जाता।